गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। अब देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स हैं, कैसे ट्रेडिंग आज की रहने वाली। हम फरवरी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं। जैसे अगर हम अभी जो नवंबर मंथ का चल रहा है वो 73 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यही अगर हम फरवरी मंथ में देख रहे हैं तो ये 74,850 से ऊपर ट्रेड करता हुआ धीरे धीरे करके ऊपर साइड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स है। अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, उसको सस्टेन करता है तो मार्केट में एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट 200 पॉइंट के ऊपर एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। तो सारी सेंटीमेंट हम देखते हैं, कंडीशन बेस देखते हैं। तो आप नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली अपडेट के साथ में नोटिफिकेशन भी मिलती रहे कि किस तरह उसमें सेंटीमेंट्स है, क्या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज को पोस्ट करता रहता हूँ। अब फ्रेंड्स अगर करंट मंथ की अगर हम देखते हैं, जो नवंबर मंथ चल रहा है, इसमें आप देख रहे हैं जो ये सपोर्ट मैंने आपके साथ ड्रा किया था, ये ऑलरेडी मार्केट को रिस्पेक्ट करता हुआ धीरे धीरे करके ऊपर निकल रहा है। लेकिन अभी आपने यहाँ पे कुछ पोजीशन बना रखी है तो थोड़ी बहुत यहाँ पे हमने कल ही देखा था कि इसको आप बुक कर सकते हैं। अब सीधे चलते हैं हम फरवरी मंथ के जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा मैंने आपके साथ मॉर्निंग में कुछ कंडीशन शेयर की थी। अभी आपको लगेगा कि मैंने ये होने के बाद में आपको शेयर कर रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस में मैं सिंपल फॉलो करता हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छा सपोर्ट दिखाई पड़ता है और उसके बाद में कुछ कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ती है। आप यहाँ देखते हैं मॉर्निंग में हमने देखा था कि मार्केट जाएगा तो 74,700 के आसपास ये जो इसने हाई लगाया, जब तक इसको ऊपर नहीं निकालता तब तक अच्छे मूव ऊपर की तरफ हमें देखने को नहीं मिलने वाले। फिर फिलहाल के लिए मार्केट के लिए एक रेंज बनती है और रेंज को रिस्पेक्ट करता हुआ एक बड़ी कैंडल बनाता है, लेकिन उसके साथ ही जो 74,350 के आसपास तक का और 400 का हमने रेंज देखा था, उसके आसपास मार्केट एक थोड़ा पॉजिटिव कैंडल बनाने की कोशिश करता है, फिर एक रेंज बनाता है। ओवरऑल पूरे दिन की ट्रेडिंग अगर आप देखते हो तो एक रेंज में रही है और फाइनली इसके साथ में मार्केट ने जो अभी ब्रेकआउट किया है इसमें दो कंडीशन मैच कर रही हैं। अगर आप देखते हैं 3 से 4 की कैंडल देख लीजिए, 4 से 5 की कैंडल, 5 से 6 की कैंडल, ये सारी कैंडल्स को आप देख रहे हैं 3 से 4, 4 से 5, और उससे पहले भी मार्केट एक रेंज में बना हुआ है। इसका हाई और लो हम मार्क करने के लिए आपके 5 PM के स्ट्रेटजी में जो शेयर किए वीडियो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप कंडीशन बेस में मार्केट ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे हो जाएगा, अगर नीचे जाता है इसके ऊपर हो जाता है, ये कंडीशन हमारी रहती है। तो उसको आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर निकलता हुआ, अभी इसने जो 75,000 का हमने आपके साथ शेयर किया था लगभग इसने वहाँ पर टच कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप नए हैं और छोटे अमाउंट के साथ छोटे टारगेट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अच्छा यहाँ रिस्पांस मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे नए हैं और चाह रहे हैं कि लगातार आपको अच्छे ट्रेड मिलते रहे और आप आज एक ट्रेड 9,000 रुपये लगाएं कल आपको ये 10 से 15,000 रुपये हो जाए, तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। अगर आपको एक दिन हो जाएगा तो 2 दिन आपका लॉस भी होगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको लर्न करना होगा, लर्न करने के साथ में धीरे धीरे करके उसमें एंट्री करना होगा। फ्रेंड यहाँ सिचुएशन अगर आप देख रहे हैं तो अगर आपने ये बाइंग साइड के लिए कुछ ले रखा होगा वो आपके नॉलेज और स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जस्ट अपने व्यूज पोस्ट करता हूँ कि यहाँ पे क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। तो अभी हमें यहाँ पे जो इसका हाई बना हुआ था सपोर्ट के रेजिस्टेंस के लिए, अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब इसके बाद में 4 आवर सेटअप में अगर आप देखते हो तो पूरे दिन की ट्रेडिंग में 2 से 3 कैंडल में मार्केट सिमटता हुआ नजर आया आपको। अब आप यहाँ पे देख लेते हैं, किसी को यहाँ पे बॉटम नजर आएगा, किसी को सपोर्ट रजिस्ट्रेशन नजर आएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। यहाँ कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, आप जिसको बेटर वे से फाइंड आउट कर पाएँ और जहाँ आपको अच्छा ट्रेड मिले वो इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। फाइनली हमारे टारगेट मिल चुके हैं तो थोड़े बहुत यहाँ पे स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर लीजिए, अदरवाइज थोड़े बहुत यहाँ प्रॉफिट बुक कर भी सकते हैं। फिलहाल के लिए मार्केट में काफ़ी अच्छे मूव दिखाई पड़ रहे हैं। अभी इसके लिए करंट सिचुएशन जो 75 के ऊपर अगर ये निकलता है सस्टेन करता है तो 75,200 इसके लिए बनेगा, उसके बाद में 75,400 ये ऊपर के सेंटीमेंट्स रहेंगे, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे। फिलहाल हमारा यहाँ स्टॉप लॉस 74,800 पे रहेगा। 75,000 एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो हो सकता है ऐसे भी कुछ कैंडल बनने की कोशिश करें। और इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे दिन मार्केट रेंज में है, उसके बाद में ब्रेकआउट किया है, सिंगल कैंडल ने 500 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम कर दिया है। तो आपको दोनों कंडीशन लेके स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने पूरे दिन एक रेंज बनाया, उसके बाद में एक क्लोजिंग 75,000 के आसपास यहाँ पहुँच के ऑलमोस्ट इसकी क्लोजिंग अब आज की सेंटीमेंट में लग रही है 74,800 के ऊपर,
और 70,000 के आसपास कहीं क्लोज करता है तो मार्केट में अच्छा पॉजिटिव मूव आने वाले टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे कई बार आ चुका है, मल्टीपल्स टाइम यहाँ पे हिट किया है। अब इसको यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए ये रीजन को। अगर इसको ये सस्टेन कर ले जाता है तभी यहाँ पे अच्छे मूव आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली जो एक डाउन ट्रेंड का था मार्केट उससे भी ऊपर निकल चुका है और यहाँ पे एक क्लोजिंग करना चाहिए। तो आपको ये सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है कि मार्केट के हमें फेवर में चलना है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस में वर्क करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, आप अपने बेस में जो भी आपको बेटर लगे, डबल टॉप डबल बॉटम या फिर आपको कुछ एक जोन का फॉर्मेशन हो, जैसे मैं रेंज को बहुत अच्छे से ट्रेड करता हूँ, रेंज हमें जब भी मिलती है हमें बहुत अच्छा उसमें कॉन्फिडेंस के साथ में जाता है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे आप भी अपनी कुछ स्ट्रेटजी बनाइए, उस पर वर्क करिए, डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन आपको लर्निंग की कंटिन्यू जरूरत होगी और डेली कम से कम 2 से 3 घंटे चार्ट में देना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।